हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो है गेयर ट्रेन का टॉपिक लेके फिर से आया हूँ। और जैसा कि लास्ट जो मेरी एक वीडियो थी और जो लास्ट मेरा वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर जो मैंने आपको गेयर और गेयर ट्रेन की कुछ टर्म्स के बारे में डिफाइन किया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम थ्योरी मशीन में गेयर के चैप्टर से जो है गेयर ट्रेन के टॉपिक में से टाइप्स ऑफ गेयर ट्रेन लेंगे। और टाइप्स ऑफ गेयर ट्रेन के अंदर जो है सबसे पहले जो और टॉपिक मैंने लिया है, जो टाइप्स मैंने गेयर ट्रेन के लिए हुआ है आपका सिंपल गेयर ट्रेन। तो आज हम सिंपल गेयर ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी सिंपल गेयर ट्रेन किसे कहते हैं, ठीक है ना। कल मैंने अपने जो कल जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने गेयर ट्रेन क्या होती है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो सिंपल गेयर ट्रेन है वो हम किसे कहते हैं। एक्चुअली में सिंपल गेयर ट्रेन का मतलब होता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ गेयर्स हैं और वो नंबर ऑफ गेयर्स जो हैं हर एक शाफ्ट के ऊपर जो है केवल एक ही गियर अगर लगा हुआ है, मतलब अगर चार शाफ्ट हैं और चारों शाफ्ट के ऊपर जो है हमारे चार इंडिविजुअल गियर्स लगे हुए हैं, हर शाफ्ट पे अलग अलग सेपरेटली गियर लगा हुआ है, तो उस तरह की जो हमारी गियर ट्रेन होती है उसको हम कहते हैं सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि हर इंडिविजुअल शाफ्ट के ऊपर एक सिंगल इंडिविजुअल गियर का लगा होना ये हमारा कहलाता है सिंपल गेयर ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिंपल गेयर ट्रेन इनका लिया है कि सपोज हमारी चार शाफ्ट हैं और चारों शाफ्ट के ऊपर जो हमारे चार जो अलग अलग डायमीटर के अलग अलग साइज के जो हमारे चार गियर लगे हुए हैं। तो जो मेरा जो पहला गियर जिस शाफ्ट लगा है ये मेरा आपका ड्राइविंग है, बाकी जो आपका गियर आपका जो सेकंड गियर थर्ड गियर और फोर्थ गियर जो कि अलग अलग शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं ये हमारे जो है ड्राइवन गियर है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो। कल मैंने बताया था कि वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे गियर वन और गियर टू के बीच में। तो अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालें गियर वन और गियर टू के बीच में तो उसमें जो हमारी स्पीड होगी वो होगी एन वन और गियर टू की आपका एन टू, तो इसमें आपका एन वन बटे में एन टू इज इक्वल टू आपका टी टू बटे में टी वन। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी रेशियो अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था उसमें प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए ड्राइवर गियर या ड्राइवर व्हील बटे में आपका उसके प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइविंग गियर। तो ये मेरा ड्राइविंग है गियर नंबर वन जो कि मेरे प्राइम मूवर से अटैच है, और जो मेरा गियर टू ये आपका ड्राइवन, गियर थ्री गियर फोर ये तीनों हमारे ड्राइवन है, ठीक है। तो मतलब गियर वन से गियर टू गियर थ्री गियर फोर को जो है पावर जो है ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो जो दो गियर है फर्स्ट गियर और सेकंड गियर के बीच में जो वेलोसिटी रेशियो है हमारा वो है हमारा एन वन बटे में एन टू इज इक्वल टू टी टू बटे में आपका टी वन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम फिर नेक्स्ट वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे गियर टू और गियर थ्री के बीच में, जो भी स्पीड जो हमारी ट्रांसफर हो रही है गियर टू से गियर थ्री को, उसमें अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालें गियर टू गियर थ्री के बीच में तो एन टू बटे में एन थ्री इक्वल टू में आपका टी थ्री बटे में आपका टी टू, ये मेरी बन जाएगी आपका इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम गियर थ्री और गियर फोर के बीच में जो है हम निकाल लेंगे वेलोसिटी रेशियो। तो अगर हम गियर थ्री और गियर फोर के बीच वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं तो उसमें होगा हमारा एन थ्री बटे में आपका एन फोर इज इक्वल टू में आपका टी फोर बटे में टी थ्री, ये होगी मेरी इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर हम लें तो हम स्पीड को एक तरफ ले लेंगे और जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है तीनों चारों गियर्स की वो हम एक तरफ ले लेंगे। तो एन वन बटे में एन टू इक्वल टू में टी एन टू बटे में एन थ्री इक्वल टू में आपका एन थ्री बटे में आपका एन फोर, और हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से वो होगा हमारा टी टू बटे में टी वन इंटू में आपका टी थ्री बटे में टी टू इंटू में आपका टी फोर बटे में टी थ्री, और जो कटता है इसमें वो काट देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें एन थ्री से मेरा एन थ्री कटता है और एन टू से मेरा आपका एन टू कटता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे टी टू से मेरा ये टी कटेगा और आपका टी थ्री से जो मेरा आपका टी थ्री कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा एन वन बटे में आपका एन फोर इज इक्वल टू आपका टी फोर बटे में आपका टी वन। तो ये कंप्लीट जो मेरा वेलोसिटी रेशियो निकल के आया है फ्रॉम द गियर वन टू आपका गियर फोर, ठीक है। तो
ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन की इक्वेशन निकल के आ गई है। इस इक्वेशन से एक चीज और क्लियर होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अगर देखें जो हमारा ड्राइविंग है वो हमारा गियर वन है और जो हमारा ड्राइवर है वो आपका गियर टू गियर फोर है, मतलब गियर वन से जो है पावर ट्रांसमिट हो रही है गियर फोर तक, ठीक है। मैंने गियर टू और गियर थ्री दोनों को मैंने इंडिपेंडेंट गियर बोला है क्योंकि जो वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो जो है ये उसके ऊपर मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गियर टू और गियर थ्री का। जो हमारा सिंपल गियर ट्रेन है उसमें जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गियर नंबर टू और गियर नंबर थ्री का, इसीलिए मैं कहता हूँ वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। तो जो वेलोसिटी रेशियो है इंडिपेंडेंट है गियर टू और गियर थ्री पर, जिसको हम इसलिए हम गियर टू और गियर थ्री को जो है आइडलर गियर या आइडल गियर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरा आपका सेंस ऑफ रोटेशन। कभी मैंने सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता है इसके बारे में कल के मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि सेंस ऑफ रोटेशन क्या होती है, तो वो चीज मैं यहाँ डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन इस सिंपल गियर ट्रेन के अंदर सेंस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो जो मेरे ओड गियर है, ओड गियर मेरे कौन सा होगा गियर नंबर वन और गियर नंबर थ्री, इनकी जो रोटेशन होगी गियर नंबर वन और गियर नंबर थ्री की जो रोटेशन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, एक डायरेक्शन में होगी। तो मुझे अगर उसमें सेम डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज में है तो मैं इसको पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है। और जो मेरे इवन गियर हैं, जो मेरे इवन गियर हैं उनकी सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें मेरा गियर नंबर टू और गियर नंबर फोर जो है इनकी जो डायरेक्शन वो अपोजिट है, तो इसलिए मैं इनकी जो रोटेशन को मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ और वो मेरे रहा हूँ नेगेटिव साइन में। तो ये होगा आपका सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो सिंपल गियर ट्रेन का टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया था, आई थिंक आपको सिंपल गियर ट्रेन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।